चंबल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह बीहड़ कैसे बना, इसकी एक अहम कहानी है। मऊ, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जालौन, कानपुर देहात, राजस्थान के कोटा तक चंबल 900 किलोमीटर क्षेत्र में नदी बनकर बहती है। बीहड़ के बीचों बीच एक सुंदर और देश की स्वच्छ नदी बहती है। वहीं रोचक बात तो यह है कि चंबल को शापित नदी के नाम से जाना जाता है। दरअसल मुरैना के पास इसी नदी के तट पर शकुनी ने जुए में पांडवों को पराजित कर द्रौपदी का चीरहरण किया था। तभी से क्रोधित होकर द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया। बहरहाल इन दंतकथाओं का नतीजा ये हुआ कि इस नदी के किनारे आबादी कम ही बसी है और इसी वजह से ये आज इतनी साफ सुथरी है। वहीं डकैतों के जानकार के अनुसार घाटी में डकैतों का करियर भी ज्यादा नहीं रहा। इसकी वजह यह नदी ही है, क्योंकि इस नदी के अलावा बीहड़ में पीने के पानी की भारी समस्या है। इसी के चलते डकैत पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं। फूलन देवी ने बेमई कांड के बाद कई दिनों तक बिना पानी के गुजारे थे। वहीं प्यास के चलते ही उन्हें भी सरेंडर का मन बनाना पड़ा था।